अध्याय 23 योग्यता प्राप्त निवेशक। आमिर डैडी ने योग्यता प्राप्त निवेशक की परिभाषा देते हुए कहा था कि इस निवेशक के पास पैसा और निवेश संबंधी ज्ञान होता है। योग्यता प्राप्त निवेशक आमतौर पर वह मान्यता प्राप्त निवेशक होता है जिसने वित्तीय शिक्षा में भी निवेश किया है। मिसाल के तौर पर जब शेयर बाजार की बात आती है तो योग्यता प्राप्त निवेशकों में अधिकतर पेशेवर स्टॉक ट्रेडर शामिल होंगे। उनकी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश के बीच के फर्क को जान और समझ लिया है। पहला, आधारभूत निवेशक। आमिर डैडी ने कहा था, आधारभूत निवेशक जोखिम को कम कर लेता है क्योंकि वह किसी कंपनी के वित्तीय विवरण देखकर मूल्य और प्रगति की खोज करता है। निवेश के लिए अच्छा शेयर चुनने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना कंपनी की भावी आमदनी की क्षमता है। आधारभूत निवेशक किसी कंपनी में निवेश करने से पहले सावधानी से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा करता है। आधारभूत निवेशक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण और उस विशेष उद्योग के दृष्टिकोण भी विचार करता है जिसमें कंपनी काम कर रही है। ब्याज दर की दिशा भी आधारभूत विश्लेषण में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होती है। दूसरा, तकनीकी निवेश। आमिर डैडी ने कहा था, एक अच्छी तरह प्रशिक्षित तकनीकी निवेशक बाजार की भावनाओं के हिसाब से निवेश करता है और भारी नुकसान से बचते हुए निवेश करता है। निवेश के लिए अच्छा शेयर चुनने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना कंपनी के शेयर की मांग और आपूर्ति है। बिक्री भाव के चार्ट का अध्ययन करता है। क्या उन शेयरों की अपेक्षित मांग के आधार पर बिक्री के लिए आने वाले शेयरों की आपूर्ति पर्याप्त होगी? तकनीकी निवेशक में बाजार के भाव और बाजार के मनोभाव के अनुरूप खरीदने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरह कोई खरीददार सेल और डिस्काउंट में मिलने वाला सामान खरीदता है, वास्तव में कई तकनीकी निवेशक मेरी डोरी सांटी की तरह होते हैं। डोरी सांटी अपनी सहेलियों के साथ सेल में खरीदारी करने जाती है और सामान इसलिए खरीद लेती है क्योंकि वे सस्ते हैं, उनकी कीमत कम है या उनकी सहेलियां उन्हें खरीद रही है। लेकिन फिर वे घर लौटकर हैरान होती हैं कि उन्होंने आखिर वह सामान क्यों खरीदा। वे उसे पहनकर देखती है और फिर सामान वापस करके रिफंड लेने जाती है। ताकि शक किसी शेयर के ऐतिहासिक चार्ट का अध्ययन करता है। सच्चे तकनीकी निवेशक को कंपनी के आंतरिक संचालन से कोई सरोकार नहीं होता, जैसा आधारभूत निवेशक को होता है। तकनीकी निवेशक को तो सिर्फ बाजार के मनोभाव और शेयर के भाव की ही परवाह होती है। बहुत सारे लोग निवेश के विषय को खतरनाक मानते हैं। इसका एक कारण यह है कि अधिकतर लोग तकनीकी निवेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वे तकनीकी निवेशक और आधारभूत निवेशक के बीच के फर्क को नहीं समझते हैं। निवेश तकनीकी पहलू से खतरनाक दिखता है क्योंकि शेयरों के भाव बाजार की भावनाओं के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। यहाँ कुछ चीजों के उदाहरण हैं जो शेयर के भावों में उतार चढ़ाव ला सकती है। पहला, एक दिन एक शेयर लोकप्रिय और खबरों में होता है, अगले दिन वह नहीं होता। दूसरा, कंपनी लोकप्रिय और खबरों में होता है, अगले दिन वह नहीं होता। दूसरा, कंपनी आपूर्ति और मांग को घटाती बढ़ाती रहती है, शेयर को विभाजित करके, अतिरिक्त शेयर आमटन द्वारा अतिरिक्त शेयरों का सृजन करके या बाईबैक करके शेयरों की संख्या घटाकर, या संस्थागत खरीददार किसी कंपनी के शेयर इतनी भारी तादाद में खरीदता बेचता है कि उसका बाजार पर असर पड़ता है। औसत निवेशक को निवेश जोखिम भरा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें आधारभूत निवेशक बनने की बुनियादी वित्तीय शिक्षा योग्यताओं का अभाव होता है और उसके पास पर्याप्त तकनीकी निवेशक योग्यताएं भी नहीं होती। अगर लोग शेयरों की आपूर्ति वाले पहलू को बदलने के लिए कंपनी के संचालक मंडल में नहीं है तो खुले बाजार में शेयर के भाव की मांग और आपूर्ति के उतार चढ़ाव पर उनका कोई प्रबंधात्मक नियंत्रण नहीं होता। वे बाजार लेकिन उथल पुथल होते हैं
कई बार आधारभूत निवेशक बेहतरीन मुनाफे वाली कोई उत्कृष्ट कंपनी खोज लेगा, लेकिन कंपनी के शेयर के भाव नहीं बढ़ेंगे, भले ही यह एक लाभदायक अच्छे प्रबंधन वाली कंपनी हो। इसका कारण यह है कि उसमें तकनीकी निवेशकों ने किसी वजह से रुचि नहीं ली। डॉटकॉम उछाल के दौरान बहुत से लोगों ने ऐसी इंटरनेट कंपनियों के आईपीओ में निवेश किया जिनकी कोई बिक्री या मुनाफा नहीं था। यह तकनीकी निवेशकों द्वारा कंपनी के शेयर का मूल्य तय करने का उदाहरण है। जो लोग पूरी तरह से आधारभूत निवेशकों के रूप में काम करते हैं, वे चढ़ते शेयर बाजार में तकनीकी निवेशकों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। चढ़ते बाजार में जो लोग सबसे ज्यादा जोखिम लेते हैं वही जीतते हैं। अधिक सावधान और मूल्य केंद्रित दृष्टिकोण वाले लोग इतना नहीं जीत पाते। वास्तव में कई जोखिम लेने वाले निवेशक तो किसी मूल्यहीन शेयर के भाव को इतने ऊपर उठा देते हैं कि कई तकनीकी निवेशक भी घबरा उठते हैं। लेकिन जब बाजार लुढ़कता है तो प्रबल आधारभूत निवेशों और तकनीकी खरीद फरोख की योग्यताओं वाले निवेशक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। गिरावट के दौर में बाजार में कूदने वाले शौकिया अटकलबाजों को नुकसान होता है, वहीं नए आईपीओ जारी करने वाली मूल्यहीन कंपनियां भी लुढ़क जाती हैं। अमीर डैडी ने कहा था, पैराशूट के बिना जल्दी अमीर बनने के साथ मुश्किल यह है कि आप ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेजी से गिरते हैं। बहुत ज्यादा आसान पैसा आने पर लोग खुद को वित्तीय जादूगर मानने लगते हैं, जबकि रहते हुए वित्तीय मूर्ख हैं। अमीर डैडी का मानना था कि निवेश के संसार में उतार चढ़ावों से बचे रहने के लिए आपके लिए तकनीकी और आधारभूत दोनों ही योग्यताएं महत्वपूर्ण होती है। मशहूर डाउ जोन्स के चार्ल्स डाउ तकनीकी निवेशक थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित वॉल स्ट्रीट जर्नल बुनियादी तौर पर वित्तीय निवेशकों के लिए होता है। यह मूल रूप से आधारभूत निवेशकों के लिए नहीं है। दोनों निवेश शैलियों के बीच भारी फर्क होता है। आधारभूत निवेशक कंपनी की शक्ति और भावी सफलता की भावनाओं का आकलन करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंटों का विश्लेषण करता है। इसके अलावा आधारभूत निवेशक अर्थव्यवस्था और संबंधित उद्योग का भी विश्लेषण करता है। वॉरेन बफे को सर्वश्रेष्ठ आधारभूत निवेशकों में गिना जाता है। तकनीकी निवेशक चार्ट के आधार पर निवेश करता है। चार्ट किसी कंपनी के शेयर के भाव और संख्या की प्रवृत्तियां बताते हैं। चार्ट किसी कंपनी के शेयर के भाव और संख्या की प्रवृत्तियां बताते हैं। यह भी हो सकता है कि तकनीकी निवेशक किसी शेयर के कॉल अनुपात और शॉर्ट पोजीशन की समीक्षा भी करे। जॉर्ज सोरोस को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी निवेशकों में गिना जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के निवेशक तथ्यों के आधार पर निवेश करते हैं, लेकिन वे अपने तथ्य आंकड़ों के भिन्न भिन्न स्रोतों से खोजते हैं। इसके अलावा दोनों ही प्रकार के निवेशकों को भिन्न भिन्न योग्यताओं तथा अलग अलग शब्दावली की जरूरत होती है। डरावनी बात यह है कि आज के अधिकतर निवेशक तकनीकी और आधारभूत दोनों ही प्रकार की योग्यताओं के बिना निवेश कर रहे हैं। वास्तव में मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आज के अधिकतर नए निवेशक तो आधारभूत और तकनीकी निवेशक के बीच के फर्क को भी नहीं जानते हैं। निवेशकों को आधारभूत विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दोनों में ही माहिर होने की जरूरत होती है, फिर वे मेरे लिए ये रेखाचित्र खींचते हैं। इन्हीं रेखाचित्रों के कारण किम और मैं और द रिच डैड कंपनी अपने उत्पादों को सरल रखती है। हम चाहते हैं कि लोग वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना सीख सकें और अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना सिखा सकें, जैसा अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, योग्यता प्राप्त निवेशक को आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश दोनों को समझने की जरूरत क्यों होती है? मैं एक शब्द में जवाब देता हूं, विश्वास। औसत निवेशक निवेश को इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि पहला, वे बाहर से कंपनी या जायदाद के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वे निवेश कर रहे हैं, और जो हैं तो वे पूरी तरह
दूसरों की राय पर निर्भर होते हैं। भले ही यह अवचेतन स्तर पर हो, लेकिन लोग जानते हैं कि अंदरूनी लोगों के पास बेहतरीन जानकारी होती है, इसलिए उनका जोखिम कम होता है। दूसरा, अगर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते तो प्राय उनके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंटों का हाल बुरा ही रहता है। और जैसा आमिर डैडी ने कहा था, अगर किसी व्यक्ति की वित्तीय बुनियाद कमजोर है तो उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। मेरे एक मित्र ने कहा था, लोग अपने व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखना चाहते। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें पता चल सकता है कि उन्हें वित्तीय कैंसर है। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब वे इस वित्तीय रोग का उपचार कर लेते हैं तो उनका बाकी का जीवन भी बेहतर हो जाता है। और कई बार तो अधिकतर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि बढ़ते बाजार में पैसे कैसे बनाए जाते हैं, और वे बाजार लुढ़कने की दहशत में जीते हैं। यदि कोई व्यक्ति तकनीकी निवेश को समझता है तो उसके पास पैसे बनाने की योग्यता ही होती है, चाहे बाजार नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो। तकनीकी योग्यताओं के बिना औसत निवेशक सिर्फ चढ़ते बाजार में ही पैसे बनाता है, और गिरते बाजार में अक्सर उसका सारा मुनाफा डूब जाता है। अमीर डैडी ने कहा था, तकनीकी निवेशक बड़े नुकसान से खुद को बचाते हुए निवेश करता है। औसत निवेशक उस इंसान की तरह है जो बिना पैराशूट के हवाई जहाज उड़ा रहा हो। अमीर डैडी अक्सर तकनीकी निवेशकों के बारे में कहा करते थे, बैल सीढ़ियां चढ़कर आता है, लेकिन भालू खिड़की से बाहर कूदता है। चढ़ता बाजार धीमे धीमे ऊपर चढ़ेगा, लेकिन लुढ़कता बाजार भालू की तरह खिड़की से सीधे नीचे छलांग लगा देगा। तकनीकी निवेशक बाजार लुढ़कने को लेकर रोमांचित होते हैं, क्योंकि वे खुद को जल्दी से पैसा कमाने की स्थिति में ले आते हैं, जबकि औसत निवेशक अपना पैसा गंवा देते हैं, वह पैसा जो अक्सर बहुत धीमे धीमे बढ़ा है। तो विभिन्न निवेशकों और उनके लाभ का चार्ट प्राय कुछ इस तरह दिखता है। पैसे बनाने वाला निवेशक जब बाजार ऊपर जाता है तो हारता है, और बाजार जब नीचे आता है तो भी हारता है। औसत निवेशक जब बाजार ऊपर जाता है तो जीतता है, और जब बाजार नीचे आता है तो हारता है। योग्यता प्राप्त निवेशक जब बाजार ऊपर जाता है तो जीतता है, और जब बाजार नीचे आता है तब भी जीतता है। कई निवेशक अक्सर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बाजार में कदम रखने से पहले जरूरत से ज्यादा इंतजार करते हैं। वे हारने से इतना डरते हैं कि बाजार के ऊपर जाने के सबूत के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं। और नतीजा क्या होता है? जैसे ही वे दाखिल होते हैं, बाजार शिखर को छूकर लुढ़क जाता है, और वे निवेशक अंततः हारने लगते हैं। योग्यता प्राप्त निवेशक इस बारे में कम चिंतित रहते हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। वे ऊपर चढ़ते बाजार में एक कारोबारी तंत्र के साथ विश्वासपूर्वक दाखिल होते हैं। जब बाजार पलटी खाता है तो वे अक्सर अपने कारोबारी तंत्र को बदल लेंगे, अपने पुराने सौदों से बाहर निकल जाएंगे, और बाजार के नीचे गिरते वक्त शॉर्ट सेलिंग करने लगेंगे तथा पुट विकल्पों का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा लेंगे। कई कारोबारी तंत्र और रणनीतियां होने से उनमें निवेशक के रूप में अधिक आत्मविश्वास होता है। आप औसत निवेशक इस डर में जीता है कि बाजार लुढ़क जाएगा या भाव नीचे गिर जाएंगे। आप अक्सर उनके मुंह से इस तरह की बातें सुन सकते हैं, अगर मैं कोई शेयर खरीदूं और भाव नीचे गिर जाए तो क्या होगा। इसलिए कई औसत निवेशक ऊपर चढ़ते बाजार और नीचे गिरते बाजार में मुनाफे के अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते। योग्यता प्राप्त निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव की राह देखता है। जब भाव ऊपर जाते हैं तो वे ऐसी योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने जोखिम को न्यूनतम करने और मुनाफा कमाने के लिए सीखी है, चाहे भाव ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो। योग्यता प्राप्त निवेशक अक्सर अपने सौदों की रक्षा करने के लिए हेजिंग भी करते हैं, जिसका मतलब है
कि अगर भाव अचानक नीचे गिर जाए या अचानक बढ़ जाए तब भी वे सुरक्षित रहेंगे। दूसरे शब्दों में उनके पास नुकसान से अपनी रक्षा करते हैं। नए निवेशकों के साथ समस्या। मैं अक्सर नए निवेशकों को कहते सुनता हूँ, मुझे बाजार लुढ़कने के बारे में चिंता नहीं है क्योंकि इस बार परिस्थितियाँ अलग हैं। अनुभवी निवेशक जानते हैं कि सभी बाजार ऊपर जाते हैं और सभी बाजार नीचे आते हैं। वे जानते हैं कि जब चढ़ता बाजार काफ़ी गर्म हो जाता है तो इस बात के बहुत आसार रहते हैं कि यह किसी भी समय लुढ़कने लगेगा, और बाजार जितना ज़्यादा ऊपर उठा है यह उतनी ही तेजी से और उतनी ही कसकर लुढ़कता है। जब लोग बिना मुनाफे वाली कंपनियों में बढ़ चढ़ कर निवेश करने लगें तो समझ लें कि पागलपन का दौर शुरू हो गया है। इन चित्रों में बुलबुलों, जुनूनों, शिखर और घाटियों के रेखा चित्र हैं जिनसे संसार गुजरा है। सर आइजैक न्यूटन की अधिकतर दौलत साउथ सी बबल में डूब गई थी। उन्होंने कहा था, मैं आकाशीय पिंडों की गतियों की गणना तो कर सकता हूँ लेकिन लोगों के पागलपन का नहीं कर सकता। जब पागलपन का दौर चल रहा होता है और हर कोई बाजार में फटाफट अमीर बनने के बारे में सोच रहा होता है तो आमतौर पर यह कुछ समय की बात ही रहती है कि कई लोगों का सब कुछ डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी शिक्षा और अनुभव में निवेश करने के बजाय उधार के पैसे लेकर सीधे शेयर बाजार में निवेश कर दिया। बाजार गिरने पर बहुत से लोग दहशत में बेच देते हैं, तब योग्यता प्राप्त निवेशक वाकई दौलतमंद बन जाता है। वित्तीय ढलान के दौर में बाजार का लुढ़कना उतना बुरा नहीं होता जितना कि भावनात्मक दहशत भरा माहौल होता है। अधिकतर नए निवेशकों के साथ समस्या यह है कि उन्हें अब तक किसी संभव निकट का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें कैसे पता चलेगा कि बाजार लुढ़कना और बियर मार्केट कैसा अनुभव होता है, खासतौर पर तब जब यह कई वर्षों तक चले। अमीर डैडी ने बस इतना कहा था, बाजार की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उस दिशा के लिए तैयार रहें जिधर भी यह जाने का निर्णय ले। उन्होंने यह भी कहा था, जब बाजार चढ़ता है तो लोगों को लगता है कि बुल मार्केट हमेशा चलेंगे, जिसकी वजह से लोग लापरवाह, मूर्ख और घमंडी हो जाते हैं। बियर मार्केट भी हमेशा के लिए चलते नजर आते हैं, जिससे लोग भूल जाते हैं कि गिरता बाजार अक्सर बहुत बहुत अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए तुम्हें योग्यता प्राप्त निवेशक बनना चाहिए। बाजार सूचना युग में ज्यादा तेजी से क्यों लुढ़केंगे? जो भी वैश्विक बाजार के इस युग को समझना तेजी से क्यों लुढ़केंगे जो भी वैश्विक बाजार के इस युग को समझना चाहता है उसे मैं द लेक्सेस एंड द ओलिव ट्री पुस्तक पढ़ने की सलाह देता हूँ। इस पुस्तक में थॉमस एल फ्रीडमैन ने बार बार इलेक्ट्रॉनिक हर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक झुंड का जिक्र किया है। इलेक्ट्रॉनिक झुंड और कुछ नहीं, कई हजार युवाओं का समूह है जो डिजिटल धन की बड़ी राशियों को नियंत्रित करता है। जो लोग बड़े बैंकों, म्यूचुअल फंडों, हेज फंडों, बीमा कंपनियों आदि के लिए काम करते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वे अपने माउस के एक क्लिक से एक सेकंड से भी कम समय में ट्रिलियन डॉलरों की राशि एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। इस शक्ति की बदौलत इलेक्ट्रॉनिक झुंड राजनेताओं से ज्यादा शक्तिशाली होता है। 1997 में मैं दक्षिण पूर्व एशिया में था जब इलेक्ट्रॉनिक और कोरिया जैसे देशों से बाहर निकालकर उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रातों रात लगभग डुबा दिया। यह देखना अच्छा नहीं था, न ही उस वक्त उन देशों में रहने के लिए अच्छा समय था। आप में से जो लोग वैश्विक स्तर पर निवेश करते हो उन्हें याद होगा कि संसार के अधिकतर लोग, यहां तक कि वॉल स्ट्रीट के लोग भी नई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के कई गुण गा रहे हैं। हर कोई उन देशों में निवेश करना चाहता है। जब इलेक्ट्रॉनिक झुंड को उन देशों में होने वाली घटनाएं पसंद नहीं आई और इसने अपना पैसा कुछ सेकेंडों में बाहर निकाल लिया तो इसके बाद अचानक लगभग रातों रात उन देशों का हुलिया ही बदल गया। हर तरफ हत्याएं, आत्महत्याएं, दंगे, लूटपाट
और वित्तीय बीमारी की आम भावना दिख रही थी। थॉमस फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक झुंड को वाइल्ड बीस्ट जैसे जंगली जानवरों का झुंड माने जो अफ्रीका के एक विशाल क्षेत्र में चर रहा है। जब झुंड के कोने का वाइल्ड बीस्ट चरते समय पास की लंबी मोटी झाड़ी में कोई चीज हिलते देखता है, तो वह अपने पास वाले वाइल्ड बीस्ट से यह नहीं कहता, ओह मुझे लगता है कि शायद वहां झाड़ी में कोई शेर छुपा है। कतई नहीं, वह वाइल्ड बीस्ट तो बस एक भगदड़ शुरू कर देता है। और ये वाइल्ड बीस्ट सिर्फ 100 गज तक भगदड़ नहीं मचाते हैं, वे तो अगले देश तक भगदड़ मचाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल डालते हैं। 1997 में कुछ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ यही हुआ था। जब इलेक्ट्रॉनिक झुंड को वहां की घटनाएं पसंद नहीं आई तो वे वाकई रातों रात बाहर निकल गए। कुछ ही दिनों में उच्च आशावाद, दंगों और हत्याओं की मेरी भविष्यवाणी यह है कि सूचना युग में बाजार ज्यादा तेजी और ज्यादा दूर तक गिरेंगे। बाजार लुढ़कने पर अपनी रक्षा कैसे करें? कुछ देश इलेक्ट्रॉनिक झुंड की शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए सफाई कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय फाइनेंशियल स्टेटमेंटों में कसावट ला रहे हैं तथा अपनी वित्तीय शर्तों और मानदंडों को बढ़ा रहे हैं। थॉमस फ्रीडमैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उप वित्त सचिव लैरी समस ने एक बार कहा था, अगर आप अमेरिकी पूंजी बाजार का इतिहास लिख रहे हो तो मैं सुझाव दूंगा कि पूंजी बाजार को आकार देने वाला सबसे महत्वपूर्ण अकेला नवाचार सामान्यतः स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों का विचार था। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जरूरत है। यह IMF की एक गौण लेकिन महत्वपूर्ण विजय है कि कोरिया में अकाउंटिंग की नाई चलाने वाले ने मुझे बताया था कि सामान्यतः जाड़े के सत्र में उसके यहाँ 22 विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन अब 385 विद्यार्थी आते हैं। हमें कोरिया में कंपनियों के स्तर पर इसकी जरूरत है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जरूरत है। अमीर डैडी ने ऐसी ही बात बरसों पहले कही थी, लेकिन लैरी समर्स की तरह वे किसी देश के संदर्भ में नहीं बोल रहे थे। अमीर डैडी तो हर उस व्यक्ति के संदर्भ में बोल रहे थे जो वित्तीय दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। अमीर डैडी ने कहा था, अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच सिर्फ इतना ही फर्क नहीं होता कि वे कितना पैसा कमाते हैं, फर्क होता है उनकी वित्तीय साक्षरता में और इसमें कि वे उस साक्षरता को कितना महत्व देते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो गरीब लोगों के वित्तीय साक्षरता के पैमाने बहुत नीचे होते हैं, चाहे वे कितने ही पैसे बना लें। वित्तीय साक्षरता के कम मानदंड वाले लोग अक्सर अपने विचारों से संपत्तियां बनाने में असमर्थ होते हैं। संपत्तियां बनाने के बजाय कई लोग अपने विचारों से दायित्व बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वित्तीय साक्षरता के उनके मानदंड नीचे होते हैं। बाहर निकलना अंदर जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अधिकतर औसत निवेशक इसलिए पैसे गंवाते हैं क्योंकि किसी संपत्ति में निवेश करना प्राय सरल होता है, लेकिन बाहर निकलना प्राय मुश्किल होता है। अगर आप जानकार निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत होती है कि उस निवेश से बाहर कैसे निकलें। आज निवेश करते समय मैं एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति पर विचार करता हूं, जो मेरी निर्गम रणनीति होती है। अमीर डैडी ने इस शब्दावली में मुझे निर्गम रणनीति का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था, निवेश खरीदना अक्सर शादी करने जैसा होता है। शुरुआत में चीजें रोमांचक और आनंददायक होती हैं, लेकिन अगर चीजें सही न हो तो तलाक उस शुरुआती रोमांच और आनंद से कहीं अधिक दर्दनाक हो सकता है। इसलिए तुम्हें निवेश को लगभग विवाह जैसा ही मानना चाहिए। अंदर जाना अक्सर बाहर निकलने से ज्यादा आसान होता है। मेरे दोनों डैडियों का विवाह बहुत सुखद था, इसलिए जब अमीर डैडी तलाक के बारे में बात करते थे तो वे लोगों को तलाक लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे, वे तो उन्हें बस लंबी दूरी तक सोचने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा था,
आंकड़ों के अनुसार संभावना इस बात की है कि 50% विवाहों का अंत तलाक में होगा और वह शेयर करे सोचते हैं कि वे इस संभावना को हरा देंगे। इसलिए इतने सारे निवेशक आईपीओ खरीदते हैं या अधिक अनुभवी निवेशकों से शेयर खरीद रहे हैं। अमीर डैडी ने इस विषय पर बहुत अच्छी तरह कहा था, हमेशा याद रखें कि जब आप रोमांचित होकर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो अक्सर उस संपत्ति के बारे में ज्यादा जानने वाला व्यक्ति होता है जो रोमांचित होकर उसे आपको बेच रहा है। जब लोग कैश फ्लो गेम खेलकर निवेश करना सीखते हैं तो वे यह तकनीकी योग्यता भी सीखते हैं कि कब खरीदा जाए और कब बेचा जाए। अमीर डैडी ने कहा था, जब आप कोई निवेश खरीदते हैं तो आपके पास यह विचार भी होना चाहिए कि आप इसे कब बेचेंगे, खास तौर पर उन निवेशों को जो मान्यता प्राप्त निवेशकों के सामने पेश किए जाते हैं। निवेशों के अधिक परिचय योग्य आपकी निर्गम रणनीति अक्सर प्रवेश रणनीति से महत्वपूर्ण होती है। जब आप ऐसे निवेशों में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि निवेश के अच्छे या बुरे साबित होने पर क्या करना है। योग्यता प्राप्त निवेशक की वित्तीय योग्यताएं। जो लोग बुनियादी वित्तीय योग्यताएं सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने कैश फ्लो गेम तैयार किए हैं। हम सलाह देते हैं कि इसे कम से कम 6 से 12 बार खेलें। कैश फ्लो 101, बार बार खेलकर आप आधारभूत निवेश विश्लेषणों की बुनियादी बातें समझने लगते हैं। कैश फ्लो 101 खेलने और इसके द्वारा सिखाई जाने वाली वित्तीय योग्यताएं सीखने के बाद आप कैश फ्लो 202 खेलने की ओर जा सकते हैं, जहां आप शेयरों की तकनीकी खरीद फरोख्त की जटिल समस्याओं, जटिल योग्यताओं व शब्दावली सी खरीद फरोख्त की जटिल समस्याओं, जटिल योग्यताओं व शब्दावली सीखना शुरू करते हैं। आप शॉर्ट सेलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, यानी आप वे शेयर बेच देते हैं जो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको उनके भाव गिरने की उम्मीद है। यहाँ आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शनों और स्टैंडलों का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। ये सभी ट्रेडिंग की बहुत परिष्कृत तकनीकें हैं जिनका ज्ञान सभी योग्यता प्राप्त निवेशकों को होना चाहिए। इन खेलों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप खेल कर और नकली पैसों का इस्तेमाल करके असली योग्यताएं सीखते हैं। असल संसार में यह शिक्षा बहुत महंगी पड़ सकती है। खेल बेहतर शिक्षक क्यों है? 1950 में एक नन कोलकाता के इतिहास और भूगोल की शिक्षक थी। उन्हें गरीबों की मदद करने और उनके बीच बात करने के बजाय उन्होंने बहुत कम बोलने का निर्णय लिया और शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से गरीबों की मदद की। उनके कामों का ही नतीजा था कि जब वे बोलती थी तो लोग सुनते थे। शब्दों और कामों के बीच के फर्क के बारे में उन्होंने कहा था, बातचीत कम होनी चाहिए, भाषण देने का बिंदु मिलन बिंदु नहीं है, आपकी तरफ से ज्यादा कार्य होना चाहिए। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो निवेश योग्यताएं सिखाई थी उन्हें सिखाने के लिए मैंने खेलों का जरिया चुना, क्योंकि खेलों में भाषण के बजाय अधिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसा मदर टेरेसा ने कहा था, भाषण देने का बिंदु मिलन बिंदु नहीं है, हमारे खेल मिलन बिंदु है। खेल खुद सीखने और किसी दूसरे को सिखाने में मदद करने के लिए एक सामाजिक मंच प्रदान करते हैं। जब निवेश की बात आती है तो सीखने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ पढ़कर और सुनकर ही अच्छी तरह नहीं सीखी जाती। कुछ चीजों को सीखने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है और खेल सीखने के इस शुरुआती कार्य का अवसर प्रदान करते हैं। एक पुरानी कहावत है, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और मुझे याद रहता है, मैं करता हूँ और मैं समझ जाता हूँ। मेरा उद्देश्य अधिक समझ उत्पन्न करना है, इसलिए मैं पैसे और निवेश के बारे में सिर्फ पुस्तकें लिखने से आगे तक गया। इसलिए मैंने सीखने के जरिए के रूप में खेल बनाए। लोगों में जितनी ज्यादा समझ होती है वे सिक्के के दूसरे पहलू को उतना ही ज्यादा देख सकते हैं।
डर और शंका के बजाय खिलाड़ी अवसर देखने लगते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि खेल खेलने पर हर बार उनकी समझ बढ़ जाती है। कई लोगों ने हमें बताया है कि हमारे खेल खेलने के बाद उनका जीवन अचानक बदल गया, उन्हें धन और निवेश के बारे में एक नई समझ मिली। उस नई समझ ने उस पुराने विचारों को बाहर धकेल दिया और उन्हें जीवन में नई संभावनाएं प्रदान की। अमीर डैडी ने मुझे मोनोपोली खेल खेलकर व्यवसाय का मालिक और निवेशक बनना सिखाया। खेल खत्म होने के बाद वे अपने बेटे और मुझे ज्यादा सिखा सकते थे जब हम उनके व्यवसायों और अचल संपत्ति देखते थे। मैं मोनोपोली से भी आगे जाकर ऐसे शैक्षणिक खेल बनाना चाहता था जो वही आधारभूत और तकनीकी निवेश योग्यताएं सिखाएं जो अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, कैश फ्लो का प्रबंधन करने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की योग्यता कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बी तथा आई हिस्से में सफलता पाने के लिए बुनियादी है। योग्यता प्राप्त निवेशक के पास मौजूदा निवेशक नियंत्रण। योग्यता प्राप्त निवेशक का इन चीजों पर नियंत्रण होता है। पहला, स्वयं पर। दूसरा, आयव्यय अनुपात और संपत्ति दायित्व अनुपात पर नियंत्रण। तीसरा, कब खरीदते हैं और कब बेचते हैं उस पर नियंत्रण। योग्यता प्राप्त निवेशक का ई स्वामित्व। पहला, शिक्षा। दूसरा, अनुभव। तीसरा, अत्यधिक पैसा। योग्यता प्राप्त निवेशक कंपनी के आधारभूत और तकनीकी दोनों ही विश्लेषण बाहर से कर रहे हैं। वे यह निर्णय ले रहे हैं कि खरीदने वाले शेयर धारक बने या नहीं। कई बहुत सफल निवेशक योग्यता प्राप्त निवेशक के रूप में काम करके ही सलाह से कई योग्यता प्राप्त निवेशक मिलेनियर बन सकते हैं। वे उन कारोबारों में निवेश कर रहे हैं जिन्हें दूसरों ने बनाया था और जिन्हें दूसरे चला रहे हैं। चूंकि उन्होंने अध्ययन किया है और वित्तीय शिक्षा हासिल की है, इसलिए वे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका विश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। P/E का क्या मतलब है? योग्यता प्राप्त निवेशक किसी शेयर के PE अनुपात को समझता है। PE अनुपात का आंकलन किसी शेयर के वर्तमान भाव में पुराने वर्ष की प्रति शेयर आमदनी से भाग देकर किया जाता है। आमतौर पर कम PE का मतलब यह होता है कि आमदनी की तुलना में शेयर तुलनात्मक रूप से कम भाव पर बिक रहा है। ज्यादा PE का मतलब है कि शेयर का भाव ज्यादा है और यह खास अच्छा सौदा नहीं होता है। PE अनुपात बराबर बाजार भाव भाग में शुद्ध आमदनी। अलग अलग उद्योगों में काम करने वाली कंपनियों का PE अनुपात अलग अलग होता है। इस वजह से एक सफल कंपनी का PE अनुपात दूसरी सफल कंपनी से बहुत अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर हाईटेक कंपनियों की वृद्धि तीव्र और आमदनी ऊंची होती है, इसलिए उनका PE ज्यादा रहता है। दूसरी ओर पारंपरिक या परिपक्व कंपनियों का PE कम रहता है क्योंकि वहां वृद्धि स्थिर हो गई है। यह भी हो सकता है कि कंपनी की आमदनी शून्य हो लेकिन उसके शेयर बहुत ऊंचे भाव पर बिके। ऊंचे भाव बाजार की इस अपेक्षा को दर्शाते हैं कि भविष्य में ऊंची आमदनी होगी। भविष्य का PE ही सफलता की कुंजी है। योग्यता प्राप्त निवेशक यह बात समझता है कि वर्तमान PE उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भावी PE। निवेशक उस कंपनी में निवेश करना चाहता है जिसका प्रबल वित्तीय भविष्य हो। निवेशक को PE अनुपात तभी मदद कर पाएगा जब उसके पास कंपनी के बारे में अधिक जानकारी हो। आमतौर पर निवेशक वर्तमान वर्ष के कंपनी के PE की तुलना पिछले वर्षों से करके कंपनी की वृद्धि या विकास को नाप सकता है। निवेशक कंपनी के PE अनुपात की तुलना उसी उद्योग की दूसरी कंपनियों के PE अनुपात से भी कर सकता है। सभी डे ट्रेडर योग्यता प्राप्त निवेशक नहीं होते। कई लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की आसानी और उपलब्धता के कारण यह लोकप्रिय हो गई है।
डे ट्रेडर पीई अनुपात से अच्छी तरह वाकिफ होता है। सफल डे ट्रेडर और असफल डे ट्रेडर, सफल डे ट्रेडर और असफल डे ट्रेडर के बीच फर्क यह होता है कि क्या उसमें पीई अनुपात के पीछे देख पाने की योग्यता है। अधिकतर मामलों में सफल डे ट्रेडरों ने तकनीकी या आधारभूत ट्रेडिंग की बुनियादी बातें सीखने में समय लगाया है। बिना उचित वित्तीय शिक्षा और वित्तीय विश्लेषण योग्यताओं के डे ट्रेडर निवेशकों की नहीं जुआरियों की तरह काम करते हैं। सिर्फ सबसे शिक्षित और सफल डे ट्रेडर ही योग्यता प्राप्त निवेशक समझे जाएंगे। वास्तव में यह कहा गया है कि नए डे ट्रेडर में से अधिकतर की सारी या काफी पूंजी डूब जाती है और वे 2 साल के भीतर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। डे ट्रेडिंग एक बहुत प्रतिस्पर्धी एस क्वांट्रेट गतिविधि है जिसमें सबसे ज्ञानी और सबसे अच्छी तरह तैयार लोग बाकी हर व्यक्ति के पैसे का को ठंडा कैसे रखें और अचानक गिरावट के दौरान समझदारी से निवेश कैसे करें, यह सीखना योग्यता प्राप्त निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है। इसके अलावा अचानक गिरावट के दौरान कई लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 24 की तरफ जो है परिष्कृत निवेशक।